नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका MCX शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मेटा ट्रेडर 5 के बारे में। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि हमने मेटा ट्रेडर 5 को रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, लोगों को देना शुरू किया है और उसकी खास बात भी हमने बताई थी कि उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मेटा ट्रेडर 4 में अवेलेबल नहीं है। तो क्लाइंट्स की बहुत सारी डिमांड आई कि आप इसका एक यूज़र मैनुअल का वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम फुल्ली यूज़र मैनुअल का वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से मेटा ट्रेडर इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसमें इंडिकेटर्स इंस्टॉल करने हैं और क्या क्या है उसकी खास बात। ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों यूज़र मैनुअल होगा MT5 का। तो जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं MT5 कैसे काम करता है, MT5 को कैसे इंस्टॉल करना है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी व्यूवर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको कंटेंट मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है और गूगल क्रोम पर हम कुछ लिंक्स डालेंगे जिनसे हम मेटा ट्रेडर 5 को इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली आप कोई भी मेटा ट्रेडर 5 इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला इंस्टॉल करना है, बट उसमें क्या होता है कि हमें ब्रोकर को सर्च करना पड़ता है, जो भी हमारा ब्रोकर होता है उसे हमें सर्च करना पड़ता है और सर्च करने के बाद सिलेक्ट करके तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मेटा ट्रेडर 5 मैं इंस्टॉल करूँगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट मेटा ट्रेडर 5 है, यानी कि उसमें ब्रोकर सर्च करने की कोई नीड नहीं होती, आपको डायरेक्ट आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पे दो URL दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें एक ऊपर वाला URL जो है MSG MT5 वो मेटा ट्रेडर 5 को इंस्टॉल करने का URL है और जो दूसरा URL है bit.ly/MSG_SL/ST, ये जो है ये सुपर ट्रेंड को इंस्टॉल करने का है। सुपर ट्रेंड एक फ्री इंडिकेटर जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं MT5 के साथ, जिसमें कि अलर्ट्स भी आते हैं, बाय सेल के एरो भी आते हैं और टारगेट्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आती है, डैशबोर्ड आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज इंडिकेटर है, वो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर्स है जो कि पेड है मार्केट में, लेकिन हम इसको देते हैं मेटा ट्रेडर 4 के साथ, मेटा ट्रेडर 5 के साथ फ्री। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाला URL कॉपी करेंगे। दोस्तों ये दोनों URL आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से ये चीज़ें देख सकते हैं और इनको उठा के यहाँ से अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले URL को हिट करते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे बॉटम पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। 1200 KB के आसपास की फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे ये इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में दोस्तों हमें करना है नेक्स्ट का बटन प्रेस। जैसे ही हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और जब इंस्टॉलेशन फिनिश होगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिनिश का बटन आ जाएगा, कैंसिल की जगह वो कन्वर्ट होकर फिनिश हो जाएगा, हमें फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों ये इंस्टॉलेशन हो रही है, आप देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चलिए ऐसा करते हैं, जब तक एक इंस्टॉलेशन होती है तब तक हम अपना दूसरा वाला जो इंडिकेटर है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए हमें इस URL पे दोबारा से नीचे वाला URL जो वो कॉपी करना है और यहाँ पर आके उसको पेस्ट करके एंटर मार देना। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो वो इंडिकेटर भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए बॉटम पर आपको दिखने लगा है कि इंडिकेटर भी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इस इंडिकेटर को हम अपने पास सेव कर सकते हैं, लेकिन तो सबसे पहले MT5 इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। MT5 इंस्टॉल हो गया है दोस्तों, तो अब हम इसको फिनिश का बटन दबाएंगे। फिनिश का बटन दबाने के बाद ये इस तरीके से एक ब्राउज़र पे विंडो खुलती है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ब्रोकर का ऑप्शन सबसे पहले आया है, फाइंड योर ब्रोकर। तो फाइंड योर ब्रोकर के लिए हमारा तो ब्रोकर FXTech Pro ही है, अगर कोई और ब्रोकर है, आप अगर कोई और MT5 इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं FXTech Pro। तो जैसे ही आप लिखेंगे और उसके बाद आप जब इसमें फाइंड का बटन दबाएंगे तो वो सर्च करके ब्रोकर को ले आएगा। अब यहाँ पर ये इस वाले ब्रोकर को ले आए, तो हमें FX Pro ही चाहिए, तो हम FX Pro को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इस विंडो में दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपको ओपन हो गई हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें फाइल पर जाना होगा, फाइल पर जाने के बाद हमें जाना होगा लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में हमसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है और नीचे सर्वर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको इसका कैसे मिलेगा, उसके लिए या तो आप हमारी वेबसाइट mcxshoregain.com पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बॉटम पे आपको एक नंबर दिखेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप लिख सकते हैं कि MT5 डेमो चाहिए। तो हम सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको उस पर भेज देंगे आईडी पासवर्ड के साथ, और आप इसको आराम से सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी हम आपको भेज देंगे, अगर आपको पसंद आता है तो आप वहीं से पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम कॉल करके आपको नया आईडी पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने वो आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद सर्वर का जो ऑप्शन है उसमें हमें FXTech Pro डेमो ही यूज़ करना है, हमें लाइव यूज़ नहीं करना, क्योंकि लाइव जो अकाउंट होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उस पर कोई भी मैन्युअली आप इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। अभी डेमो के अकाउंट में हम सिर्फ चार्टिंग करते हैं, तो इसलिए हम इसको डेमो ही यूज़ करते हैं। जैसे हम डेमो इसको यूज़ करेंगे, आप नीचे देखेंगे, नीचे राइट साइड पर आपको कुछ टिक्स जो हैं वो मूव होते हुए दिखाई दे जाएंगे, जैसे 1474 75 हो गया, अभी इस तरीके से जो टिक्स आ रही हैं वो हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे और ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक वहाँ पर आपको जो टिक मार्क इस तरीके का दिख रहा है, इसका मतलब ये सब चीज़ है इंस्टॉल हो गई है और लॉगिन भी परफेक्टली हो गई है। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं, ये प्लेटफॉर्म है, ये चार्ट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, ये इस तरह की ग्रिड दिखाई दे रही है चार्ट के अंदर, जो ग्रिड है उनको हटाने के लिए हम कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल जी दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें इस तरीके का ये ऑप्शन मिल जाता है, इससे हम बटन दबा के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें चार्ट को सेट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, और इसको हम राइट करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें जाना होगा दोस्तों कलर्स के ऑप्शन में, और ये देखिए बार डाउन जो लिखा है इसको मैं रेड करूंगा, ठीक है, बुल कैंडल को मैं लाइम करूंगा और बियर कैंडल को मैं रेड करूंगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, ओके करने के बाद दोस्तों अब ये चार्ट जो है परफेक्ट हो गया, अब ये चार्ट हमें ठीक से दिखाई दे रहा है, अभी हमें समझ आ रहा है कि ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स हैं, जो मार्केट अप गई हैं जिस पीरियड में वो ग्रीन है, और जिस पीरियड में मार्केट डाउन गई है वो रेड कलर की कैंडल्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसको ना सेव कर देते हैं, हम जाएंगे टेम्पलेट में, उसके बाद सेव टेम्पलेट में, और हम इसको डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव कर देंगे। जब हम इसको डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव करते हैं तो उसके बाद जितने भी चार्ट हमारे खुलते हैं वो सारे चार्ट जो हैं वो खुलते हैं इसी फॉर्मेट में। तो अब दोस्तों ये जो है डेटा, अभी ये तो है फॉरेक्स का डेटा सारा, अब हमें चाहिए इंडियन मार्केट का डेटा। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे मार्केट वॉच की विंडो में, यहाँ पे देखो तीन विंडो है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। पहली विंडो जो है जिसमें लाइव रेट्स चल रहे हैं उसको बोलते हैं मार्केट वॉच, दूसरी जो विंडो है नेविगेटर की जहाँ से हम इंडिकेटर्स को इंस्टॉल करते हैं, और राइट साइड में जो खाली जगह आपको अभी दिख रही है उसको बोलते हैं हम चार्ट विंडो। तो हम सबसे पहले मार्केट वॉच पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम हाइड ऑल का बटन दबाएंगे, हाइड ऑल के बटन से ये सारे के सारे इंडिकेटर, ये जो प्राइसेस चल रहे थे वो चले। अब यहाँ पर क्लिक टू ऐड का ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन है यहाँ पर सिंबल्स को ऐड करने के। अगर हमें सिंबल का नाम पता है तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके उस सिंबल का नाम लिख देंगे, जैसे निफ्टी चाहिए तो निफ्टी से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं वो सब यहाँ पर आ गए हैं। हमें निफ्टी 50 चाहिए, हम उस पर क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये निफ्टी का जो है प्राइस आ गया। अब इसका चार्ट बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे ड्रैग करके चार्ट विंडो की तरफ लेके आके छोड़ दीजिए। जैसे आप लाके छोड़ेंगे ये चार्ट विंडो में इसका चार्ट बनना शुरू हो जाएगा, ये चार्ट बनना शुरू हो गया। तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से हम सिंबल्स ऐड करते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना आपको, या फिर आप राइट क्लिक करके सिंबल्स में जा सकते हैं। यहाँ पर सिंबल्स का ऑप्शन है, सिंबल्स का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू प्रेस करने से ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में नीचे देखिए आपको एक डेटा फीड का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, डेटा फीड के फोल्डर में हमें जाना है और यहाँ पे से हमें सिंबल्स उठाने हैं। जैसे मान लो NSE के सिंबल आपको चाहिए, तो जो भी सिंबल आपको चाहिए उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप डबल क्लिक करने से वो मार्केट वॉच की विंडो में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और भी कोई भी सिंबल जो भी आपको चाहिए उस सिंबल पर आप इस तरीके से डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो जो भी आपके रिलेटेड सिंबल्स हैं, जिन सिंबल्स को आप चेक करते हो, जिन सिंबल्स पर आप ट्रेडिंग करते हो, वो सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप उनको लगाते जाएंगे। चार्ट बनाने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों, राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो पर जाना है, उसका चार्ट बन जाएगा। नीचे बॉटम पर आपको यहाँ पर दोनों चार्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
तो ये था कि किस तरीके से MT4 को इंस्टॉल करना है। अब ये मैंने MT4 पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया है, डिफ़ॉल्ट में चार्ट भी सेट कर दिया है और मार्केट वॉच पे आपको रेट किस तरीके से देखने वो भी बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन था हमें अपना इंडिकेटर जो इंस्टॉल करना है और बाकी कस्टम इंडिकेटर्स को भी इस्तेमाल करने को सीखना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों अपना इंडिकेटर इंस्टॉल करने के लिए फाइल में, उसके बाद हम जाएंगे ओपन डेटा फोल्डर में। ओपन डेटा फोल्डर में जाने के बाद हम जाएंगे MQL5 में, और MQL5 में जाने के बाद हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर एग्जांपल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल्स में जाके हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना जो इंडिकेटर हमने डाउनलोड किया था वो वाला हम इसको पेस्ट करेंगे। देखिए ये सुपर ट्रेंड के नाम से इंडिकेटर आ रहा है जो हमने डाउनलोड किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। जैसे हम उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम इस विंडो में जाएंगे इंडिकेटर्स में और एग्जांपल्स में। यहाँ पर हम देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे वो इंडिकेटर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने पेस्ट भी कर दिया फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे इंडिकेटर्स के फोल्डर में दोस्तों राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबा देंगे। जैसे हम रिफ्रेश का बटन दबाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वो इंडिकेटर हमें दिखाई देने लग जाएगा। ये देखो ये दिखाई देने लग गया सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिकेटर हमें दिखाई देने लग गया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, 10 और 4 का पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें जो भी पैरामीटर यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कोई और पैरामीटर जो आपको अच्छा लगता है यूज़ कर सकते हैं 10-4 की जगह। कुछ लोग 10-3 यूज़ करते हैं, कुछ लोग 7-3 यूज़ करते हैं, कुछ लोग 14-2 यूज़ करते हैं, अलग अलग यूज़ करते हैं। आप अपने मर्जी से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन है टारगेट इन परसेंटेज। यहाँ पर हमने टारगेट को परसेंटेज में दिया 0.5% जो है वो हमारा पहला टारगेट होता है, 1% हमारा सेकंड टारगेट और 1.5% हमारा थर्ड टारगेट होता है। ये टारगेट है दोस्तों प्राइस के हिसाब से, अगर 100 रुपये चल रहा है तो दैट मीन्स 0.5 रुपीज का हमारा टारगेट 1 रहेगा, 1 रुपये का टारगेट 2 रहेगा और 1.5 रुपीज का टारगेट 3 रहेगा। इस तरीके से परसेंटेज में है। नीचे आपको टारगेट 2 का ऑप्शन दिखता है, टारगेट 3 का और उसके बाद स्टॉप लॉस का जो कि हमने 0.5% रखा है। आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं। जब हम इन चीज़ों को सेट करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमें जो कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी दोस्तों वो इस तरीके की हैं कि सुपर ट्रेंड में जो सिग्नल्स बने हैं उन सिग्नल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि बाय का सिग्नल आया था, ये कल का बाय का सिग्नल आया, कल का नहीं है सॉरी, ये काफ़ी टाइम पुराना है, ये 1 आवर का चार्ट है। अगर मैं चाहूँ इसे 15 मिनट पर कर देता हूँ, 15 मिनट पर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो 15 मिनट पर जैसे मैं इसको करूँगा तो ये हमें दिखा रहा है इस तरीके से दोस्तों, सिग्नल दिखा रहा है कि हमारा जो सेल का सिग्नल है वो आया है 19 मई को हमारा सेल का सिग्नल आया था, जो कि वैल्यूज़ जो है वो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की सर दिखाई दे जाएंगी कि कितने बजे हमारा सिग्नल आया और किस टाइम कितने प्राइस पे हमारा सिग्नल आया। वो भी दिख रहा है आपको 33,692.80 रुपये पे सिग्नल आया। टारगेट्स की वैल्यूज़ दिखा रखी है यहाँ पे, क्या क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस की वैल्यू भी यहाँ पे दिखा रखी है। सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे आपको लाइंस भी दिखाई दे जाएंगी, नीचे आपको प्रॉफिट भी दिखाई दे जाएगा। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट में अवेलेबल है कि क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, क्या मतलब कितने पे ये लाइनें जो आपको टारगेट की दिखाई दे रही हैं, स्टॉप लॉस की लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे तो प्राइस भी आपको दिखाई दे रहा है कि अभी क्या मार्केट का प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके से ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, ये ट्रेडिंग को आपकी आसान बना देता है क्योंकि इस तरीके की चार्टिंग जब आप करते हैं तो आपको ईजिली पता लग जाता है कि भाई बाय का सिग्नल है, सेल का सिग्नल है, अब मैं क्या करूं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है। अदरवाइज आप अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती तो आपको बहुत परेशानी होगी ये चीज़ समझने के मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड इसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको गूगल से मिलती है या आप सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस तब आपको ये चीज़ें पता लगती हैं कि ट्रेंड क्या है कैसे है। लेकिन इस इंडिकेटर को आप यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पता लग जाएंगी और आप इसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये है सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर जो हमने इसमें लगाया और जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप MT5 का डेटा फीड हमारे से परचेज करते हैं तो आपको ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ और भी 2-3 इंडिकेटर्स हम नए बनवाए हैं हमने, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा और आप देखेंगे कि वो इंडिकेटर्स भी अच्छे खासे प्रॉफिट करते हैं। तो ये दोस्तों आपने ये देख लिया, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बताया चार्ट किस तरीके से लगाना है। इंडिकेटर लगाने के लिए नीचे विंडोज़ जो दे रखी हैं इंडिकेटर की, नेविगेटर विंडो, उसमें से आप कोई भी इंडिकेटर जो आपको पसंद आता है वो लगा सकते हैं। डबल सीधा आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके आपको ओके कर देना, बस ये लग गया। इस तरीके से इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लॉट हो जाते हैं। अब आते हैं चार्टिंग पे, किस तरीके से हम चार्टिंग करनी है। देखिए नॉर्मल चार्टिंग में आपको जैसे ये है, ठीक है, ये अभी कैंडल चार्ट है। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये कैंडल चार्ट है। तो ये कैंडल चार्ट में कैंडल्स बनती हैं जो कि ऊपर नीचे के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो ऊपर जो बार का बटन है उस पर आप प्रेस करेंगे, बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लाइन में क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट, बार चार्ट इन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें कैंडल चार्ट को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैंडल चार्ट में हमने लगा के दिखा दिया। दूसरा MT5, देखिए MT4 का हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको पता ही होगा MT4 आपने यूज़ भी किया होगा काफ़ी बार। तो MT4 से MT5 में क्या फ़र्क है जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वो है दोस्तों टेम्पलेट में। यहाँ पे टाइम फ्रेम में जाके आप देखेंगे कि टाइम में 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का ऑप्शन तो है ही है, साथ में मिनट्स में ऑप्शन भी आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट का चार्ट चाहिए आप 10 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट का चार्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स जो हैं वो कई बार लोग यूज़ करते हैं 3 मिनट्स 4 मिनट, तो MT4 में क्या है कि वो अलग से बनाना पड़ता है और वो कई बार काम नहीं करता, कई बार क्योंकि मेन चार्ट हट जाता है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रुक जाता है और उसकी वजह से एनालिसिस रुक जाती है। देखिए इसमें इन्होंने डिफॉल्ट दिया हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंडिकेटर किस तरीके से लगाना है, चार्ट किस तरीके से लगाना है। अब अगर आपको स्टडीज़ लगानी है, लाइंस लगानी है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको वर्टिकल लाइन का, वर्टिकल लाइन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको क्लिक करनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आप क्लिक कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपको बनानी है तो ये तीसरा ऑप्शन ट्रेंड लाइन का, इसको ऐसे माउस पे क्लिक करके रखिए और जिधर की साइड को भी आपको ट्रेंड बनाना है उधर की साइड को आप ट्रेंड बना लीजिए। आप अगर आपको इन लाइन्स का कलर चेंज करने तो आप सीधा राइट क्लिक कीजिए इन लाइन्स पे, डबल क्लिक करके डबल क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, रेड कलर को ग्रीन करना, ब्लू करना, येलो करना, जो भी करना आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको बड़ा यहाँ से इस तरीके से मोटा लाइन करना है, पतली लाइन करनी है, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं एक चीज़ और कि कैंडल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना कि इस कैंडल पे क्या हाई लो ओपन क्लोज क्या हुआ था, उसके लिए दोस्तों डेटा विंडो का ऑप्शन होता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। व्यू में जाएंगे, डेटा विंडो पे जाएंगे, डेटा विंडो ये आ गई। अब आपको यहाँ से क्रॉस हेयर लेना है, ठीक है, ऊपर से क्रॉस हेयर लेना है, क्रॉस हेयर से ले जाके जिस भी कैंडल पे आप जाएंगे, मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ, जिस भी कैंडल पे आप जाएंगे उस कैंडल के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएगी। देखिए आप जैसे जैसे मैं कैंडल चेंज कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। तो बेसिकली सबसे आसान चीज़ क्या है कि आपको इंस्टॉलेशन करने के लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको सुपर ट्रेंड इंस्टॉल करने का लिंक मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। MT4 की आईडी पासवर्ड मांगने के लिए हमारे को सिंपली एक व्हाट्सएप का मैसेज करना है और सारा का सारा सेटअप आपको मिल जाएगा। 2 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 2 दिन के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप सिर्फ 500 रुपीज़ मंथली के हिसाब से पे करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा एक ऑफ़र भी चल रहा है दोस्तों, अगर आप 12 मंथ्स का पैकेज लेते हैं तो हम इसके साथ आपको 3 और इंडिकेटर्स देंगे जो कि बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हम आपसे नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये था MT4 का यूज़र मैनुअल, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जानकारी जो मैंने आपको दी है वो सब आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी और परेशानी आपको हो रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।